दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, एसएससी की तरफ से वैकेंसी, फिर रेलवे की तरफ से, साथ ही साथ आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल और उसके अलावा भी बहुत सारे वैकेंसीज निकलने वाले हैं 2023 में। हम यहाँ जो एसएससी एमटीएसएन हवालदार लिखे हैं, तो ये क्या, ये वैकेंसी जो निकल चुकी है नहीं, ये जून में अप्लाई होगा, जून 2023 में, ठीक है। आने वाली सभी वैकेंसीज की बात कर रहे हैं। या हम एसएससी सीएचएसएल लिखे हैं, तो ये कौन वाला, मई वाला वैकेंसी, मई 2023 वाला, ठीक है, जो अप्लाई हो चुका है हुए नहीं। फिर जाके आपका एसएससी फेज 9, एसएससी सीजीएल आने वाली अप्रैल की वैकेंसी, ठीक है। तो हर वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, किस पर कितना पोस्ट में निकला है, किस किसके लिए आप किस तरह से तैयारी करें, आपके वो कौन कौन से बुक्स लगेंगे, किस वैकेंसी का कट ऑफ कितना जाता है, साथ ही साथ आपका रेलवे में कितनी वैकेंसी किस मंथ में आने वाली है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो 10th पास वाले हो, 12th पास हो या ग्रेजुएशन हो, आप किसी भी लेवल पर हो, अगर आप 10th अभी देने वाले हो या 12th देने वाले हो, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी बताएंगे कि किस वैकेंसी के लिए अपीयरिंग लगता है, मतलब जब मान लीजिए 12th पास कोई वैकेंसी है, तो अपीयरिंग किस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन आप करने वाले हैं लेकिन आप बैंकिंग जॉब्स, कौन से जॉब्स, बैंक के भी जो जॉब्स निकलने वाले हैं उनके बारे में भी हम बताने वाले हैं कि बैंक के कौन से जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, हर चीज के बारे में बताएंगे, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, हर कुछ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 9, ठीक है। ये एसएससी की तरफ से वैकेंसी निकलती है, जिसमें कि 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन तीनों मिला के सीट रहता है, लेकिन कम रहता है, कितना, 2000 ही रहता है, कितना, 2000 प्लस सीट ही रहता है, ठीक है। तो इसमें बात की जाए तो देखिए, 10th लेवल जो निकलता है उसका नाम क्या रहता है, उसमें एमटीएस रहता है, 12th लेवल में उसमें, ठीक है, और ग्रेजुएशन भी रहता है, ठीक है। तो मतलब उसी तरह से रहता है, जो एग्जाम पैटर्न होगा, जैसे एमटीएस का होता था एमटीएस का होगा, 12th लेवल में जैसे सीएचएसएल का होता था सीएचएसएल का होगा, ग्रेजुएशन लेवल में जैसे सीजीएल का होता था वैसे नहीं होगा। इसमें क्या होता है, एक सिंगल एग्जाम होता है 12th लेवल के लिए भी, क्या, सीएचएसएल में तो आपका दो है ना प्री मेंस, लेकिन यहां एक सिंगल एग्जाम होता है, क्या होता है, एक सिंगल एग्जाम और आप क्वालिफाई हो जाते हैं। तो यहां पर भी सेम पैटर्न रहता है, आपका जीके पूछा जाता है, ठीक है, जीके, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, और इंग्लिश। तो इस तरह से ये वैकेंसी जो आपका मई से जून में अप्लाई होगी, इस एसएससी की अगर आप मान लीजिए एमटीएस की तैयारी करते हैं, तो ऑटोमेटिक इसका भी आपका तैयारी हो जाएगा, या आप सीएचएसएल या सीजीएल की करते हैं। अब बात करते हैं सीजीएल, सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अभी हाल ही फिलहाल में सीजीएल का कल कट ऑफ निकला था, और कट ऑफ बहुत ही कम गया था, 200 में से कितना गया था, 114, कितना, 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, जिसमें से यूआर का बता रहे हैं, यूआर का, ठीक है, 114 पॉइंट कुछ गया था, और ओबीसी का भी 114 पॉइंट कुछ गया था, मतलब दोनों का सेम गया था, ठीक है। लेकिन ये कट ऑफ कम क्यों जा रहा है, इलेक्शन के कारण दोस्तों, 2024 में इलेक्शन है, इसलिए आप इतनी वैकेंसीज देख पा रहे हैं, नहीं तो इतनी वैकेंसीज आप नहीं देख पाते, आपको इसमें से मात्र 2-3 वैकेंसी ही दिखती, 2024 में इलेक्शन होने के कारण आप इतनी ज्यादा वैकेंसीज को देख पा रहे हैं। तो बात करें तो इसमें दो एग्जाम, इसमें जो पोस्ट है टोटल कितना, 20,000 प्लस निकलेगा। 20,000 प्लस कहने का मतलब क्या है, कि 20,000 से कम नहीं, 20,000 से ज्यादा ही आपका पोस्ट निकलेगा। और ये अप्लाई जो होगा, अप्लाई कब होगा, आपका अप्रैल में, कौन से मंथ में, अप्रैल में। अब वो स्टार्टिंग में होगा कि लास्ट में होगा, वो एसएससी डिसाइड करेगा, वो किसी भी दिन नोटिफिकेशन निकाल देता है, ठीक है। इसमें दो एग्जाम होता है, एक प्री, एक मेंस। प्री का पैटर्न तो वही होता है आपका जीके, मैथ, रीजनिंग, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, जीके, मैथ, रीजनिंग और आपका इंग्लिश, ठीक है, जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, और सब आपका इसमें 25-25 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और आपका 2 मार्क्स मिलता है, जैसे कि जीके में 25 क्वेश्चन थे, यहाँ 2 मार्क्स, तो कितना हो गया आपका, हो गया 50 मार्क्स। तो इस तरह से आपका कितना टोटल 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से 114 कट ऑफ गया था। इसके हिसाब से अगर आप ग्रेजुएशन अपीयरिंग भी है तो सीजीएल के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, अगर आप ग्रेजुएशन अपीयरिंग भी है तो आप सीजीएल के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और मेंस, मेंस का एग्जामिनेशन का अगर आप जानना चाहते हैं सिलेबस क्या होगा, तो नीचे कमेंट करके बताइए, सीजीएल मेंस लिखिए, हम आपको उसका सिलेबस डिटेल में बताएंगे, प्लस मेंस का कट ऑफ क्या जाता है। अब हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल, ये क्या है, 12th लेवल, क्या है, 12th, जैसे ये सीजीएल, इसमें अगर आपका ग्रेजुएशन है तब अप्लाई कर सकते हैं, क्या, ग्रेजुएशन है या आप अपीयरिंग है, आप क्या है, अपीयरिंग, आप ग्रेजुएट होने वाले हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये 12th पास है, लेकिन अगर आप 12th अपीयरिंग है तब भी सीएचएसएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये मई में अप्लाई होगा, कब, मई में, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है 12th पे, एग्जाम देने वाले हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं सीएचएसएल के लिए। वैकेंसी जो निकलेगी टोटल कितना, 4000 प्लस, कितना, 4000 प्लस वैकेंसी निकलेगी, जिसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, इसमें भी आपका प्री प्लस मेंस रहेगा, ठीक है, प्री प्लस मेंस। लेकिन इसमें एक चीज रहेगा कि आपका जो, जैसे कि देखिए, इसमें भी आपका प्री क्या था, क्वालिफाइंग था, इसमें भी प्री क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा, ठीक है, आपका मेंस पर मेरिट बनेगा, ठीक है। प्री सेम रहेगा, प्री जैसा सीजीएल का है वैसा आपका प्री रहेगा। मेंस की बात करें तो मेंस में आपका मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर और टाइपिंग, क्या, कंप्यूटर और टाइपिंग। अभी कितने कितने मार्क्स का मेंस में रहेगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। देखिए, पहले तो आपको प्री निकालना होगा, तभी ना आप मेंस निकाल पाइएगा, ठीक है। अगर मेंस का आपको डिटेल सिलेबस चाहिए सीएचएसएल का, तो नीचे कमेंट करके बताइए। एमटीएसएन हवलदार,
एमटीएस नवलदार में अभी भी एक वैकेंसी निकली हुई है और ये नेक्स्ट वैकेंसी निकलेगी 10,000 पोस्ट पर, जो कि जून से जुलाई मंथ में निकलेगी। कब निकलेगी? जून से जुलाई मंथ में। ये जून से जुलाई मंथ में जो निकलेगा तो इस पर भी 10,000 पोस्ट पर निकलने वाला है और कोई भी 10th पास इसको अप्लाई कर सकता है, कोई भी 10th पास इसको अप्लाई कर सकता है। इसमें एक सिंगल एग्जामिनेशन होता है, एक सिंगल एग्जाम होता है जिसमें आपका जीके रहता है, इंग्लिश रहता है, मैथ रहता है और रीजनिंग रहता है, ठीक है। तो ये एक ही दिन होता है, लेकिन ये सेक्शन जैसे कि पहला दिन ही एक ही दिन आ जाएगा, ये सेक्शन को अलग लेगा 45 मिनट का, ये सेक्शन को अलग लेगा। पहले मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन होगा, कितना? 45 मिनट, ठीक है। टोटल इसमें 20-20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब 60-60, 120 मार्क्स, कितना? 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये जो है ये क्वालिफाइंग है, मैथ्स और रीजनिंग क्या है? क्वालिफाइंग है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, एसएससी एमटीएस नवलदार में मैथ्स और रीजनिंग में क्वालिफाइंग है, मतलब कि अगर आप जनरल से है तो 15 क्वेश्चन, ओबीसी से है तो 12 क्वेश्चन, एससी एसटी से है तो मात्र 8 क्वेश्चन 40 में से अटेम्प्ट कीजिएगा तो आप क्वालिफाई करिएगा। जीके और इंग्लिश पर आपका मेरिट बनेगा, जीके में आपका टोटल 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, ठीक है, उसी तरह इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, मतलब दोनों मिला के 50 क्वेश्चन कितना मार्क्स? आपका 150 मार्क्स, ठीक है। मेन फाइनल कटअप इसी में जाने वाला है। अब हम बात करें यहाँ पर कैप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में, ठीक है। यहाँ पर सीपीओ, ठीक है, ये सीपीओ का जो वैकेंसी ये भी एसएससी की तरफ से निकलता है, जो कि टोटल 4000 प्लस पोस्ट में निकलेगा। इसके लिए आप ग्रेजुएशन, जैसे सीजीएल में अगर आप अपीयरिंग है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए। इसमें आपको इसमें मार्क्स सबमिट करना पड़ता है, इसमें अपीयरिंग अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। और इसमें जो नियम है आपका कि इसमें जो एग्जाम पैटर्न होता है, एग्जाम पैटर्न सेम होता है एज अ सीजीएल, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका रनिंग भी होता है, क्या होता है? रनिंग, मतलब कि फिजिकल भी होता है, ठीक है। तो इसका हम डिटेल में एक बना देंगे वीडियो सीपीओ का। इतना याद रखिए कि इसकी वैकेंसी आने वाली है और इसकी वैकेंसी आपकी जून तक आ जाएगी, जून से पहले इसकी वैकेंसी आपको को देखने को मिल जाएगी। बात करें स्टेनोग्राफर सीएनडी, स्टेनोग्राफर की एग्जाम उन लोगों के लिए है जिनकी मैथ्स कमजोर है। क्या कमजोर है? इसमें मैथ्स पूछा ही नहीं जाता, मैथ्स पूछा ही नहीं जाता है। इसमें आपसे बस रीजनिंग, जीके, ठीक है, और इंग्लिश। रीजनिंग, जीके और इंग्लिश सबसे मेन रोल प्ले करता है इसमें। इंग्लिश, इंग्लिश आपका कितना? 100 मार्क्स का रहता है और रीजनिंग आपका 50 मार्क्स और जीके आपका 50 मार्क्स। टोटल 200 नंबर का ये भी एग्जाम होता है, लेकिन इसमें मैथ नहीं होता है, ठीक। इसमें एक स्किल टेस्ट होता है स्टेनोग्राफर का, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपके उस स्किल टेस्ट के बारे में बताएंगे शॉर्ट हैंड के बारे में कि कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं बैंक, तो बैंक में देखिए पीओ की वैकेंसी निकलने वाली है, ठीक है, फिर जाके क्लर्क की वैकेंसी निकलने वाली है। तो ये एसबीआई की तरफ से, किसके तरफ से? एसबीआई, फिर आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, उसके तरफ से वैकेंसी निकलेगी। उसके बाद आपका आईबीपीएस, क्या? IBPS, बाकी जो अदर बैंक है जैसे कैनरा बैंक, ये सब, तो उन सब की तरफ से IBPS में वैकेंसी निकलेगी। RPF की बात करें तो RPF पर जो टोटल पोस्ट निकलने वाली है तो कांस्टेबल में 9000, कितना? कांस्टेबल में 9000, और बाकी जो बात करें SI की तो कितनी? 3000। तो इतना पोस्ट आपका RPF में निकलने वाला है। कांस्टेबल के लिए अगर आप 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप SI के लिए ग्रेजुएशन पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। TTE में 12th पास के लिए वैकेंसी निकलेगी, ठीक है। TTE क्या होता है? ट्रैवल टिकट एग्जामिनर। तो अगर आप TTE बनना चाहते हैं, ट्रेन का TC बनना चाहते हैं, तो आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। अब इसका क्या सिलेबस है हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। कोई भी डाउट रिलेटेड है नीचे कमेंट करके पूछेगा। असिस्टेंट लोको पायलट, इसमें दो तरह का पोस्ट निकलेगा, एक असिस्टेंट लोको पायलट जिसमें क्या आपका 10th प्लस ITI मांग रहा है, क्या मांग रहा है? 10th प्लस ITI, और दूसरा टेक्नीशियन, किसका? टेक्नीशियन, उसमें आपका PCM मांग रहा है 12th में, किसका? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है 12th में, तो टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन मिला के करीब 60,000 प्लस वैकेंसी निकलेगी, कितनी? 60,000 प्लस। बात करें ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी की 1,00,000 के आसपास वैकेंसी निकलेगी, लेकिन 2023 के आखिरी में, दिसंबर में, ठीक है, अगस्त दिसंबर तक आपका वैकेंसी निकलेगा। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकलने वाली है जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10th पास है। अगर आप लोगों को इस वैकेंसी को लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।